मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ। 80 और 90 के दशक इन चारों कलाकारों के नाम रहे हैं। एक्शन और ड्रामा जॉनरों में इन चारों कलाकारों ने कई हिट फिल्में दी और आज भी इनके चाहने वालों की कमी नहीं है। हिंदी सिनेमा के चारों महारथी अब एक साथ एक ही फिल्म बाप में नजर आएंगे। अहमद खान निर्मित और विवेक चौहान के निर्देशन में बन रही फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब प्रमोशनल कैंपेन शुरू हो गया है, जिसके तहत इनके लुक्स और किरदारों का परिचय दर्शकों से करवाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को सनी, मिथुन, संजय और जैकी के किरदारों के नाम और लुक रिवील किए गए। संजय दत्त ने चारों पोस्टरों को सोशल मीडिया में शेयर किया और एक दिलचस्प कैप्शन के जरिए इनसे रूबरू करवाया, जिसमें लिखा गया, खलनायक हो या हीरो, मचा देंगे गदर, कोई शक। कैप्शन के चारों शब्दों का ताल्लुक इन कलाकारों की फिल्मों के टाइटल और संवादों से है और कुछ यही कनेक्शन इन सभी के किरदारों के नामों से भी है। जैकी श्रॉफ ने हीरो फिल्म से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम जयकिशन था और अब वो इसी नाम से साथ लौट रहे हैं। अर्जुन सनी के करियर के एक माइलस्टोन फिल्म है, जिसमें वो पहली बार एंग्री यंग मैन वाले अंदाज में नजर आए थे। सनी के किरदार को अर्जुन नाम ही दिया गया है, कोई शक। मिथुन चक्रवर्ती का गुलामी में तकिया कलाम था, जो काफी लोकप्रिय हुआ था। बाद में ये वन लाइनर उन्होंने कई फिल्मों में रिपीट किया था। संजय ने कैप्शन में इसी का जिक्र किया है। हालांकि इस फिल्म में मिथुन के किरदार को येड़ा भगत कहा गया है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। बाप जबरदस्त एक्शन ड्रामा है, जिसमें भरपूर डायलॉग बाजी होगी। मिड डे के अनुसार फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग मुंबई के गोरेगांव स्टूडियो में 12 दिनों तक चली। सभी कलाकारों ने खुद स्टंट किए हैं। 72 साल उम्र होने के बावजूद मिथुन दा ने बॉडी डबल लेने से इनकार कर दिया था। फिल्म त्रिदेव और द एक्सपेंबल्स की तर्ज पर बनाई गई है, जो दर्शकों को यादों के गलियारे में ले जाएगी।